हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल विद तनुश्री। एंड यस, मैं हूँ तनुश्री एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पैम्पर रूटीन, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ना कि सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद भी स्किन पे बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं, बहुत डल हो जाता है स्किन। तो आज मेरा ऑफ डे था तो मैंने सोचा क्यों ना एक पैम्पर रूटीन में करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और गाइस, ये वीडियो ऐसा खास होने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ अपना पैम्पर नहीं करूँगी, मैं मम्मा का भी करने वाली हूँ। तो आप बोल सकते हो ये एक मम्मा और मेरा पैम्पर रूटीन डे है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय क्लिकिंग द रेड बटन बिलो द वीडियो, और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अपने हेयर पे ये मास्क अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैंने सोचा पहले ये कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस हेयर मास्क को यूज़ कर रही हूँ, प्लाम की है। प्लाम की ये जो है ऑलिव एंड मैकाडेमिया हेयर मास्क, ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, काफ़ी अच्छा है और इसकी ओडर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं पहले हेयर को ओपन कर लेती हूँ एंड देन हम थोड़ा थोड़ा सेक्शंस लेके अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना देते हैं, बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं हेयर। तो इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको 1 to 2 hours के लिए छोड़ देती हूँ। आप इसको शैम्पू के बाद भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद सेम जो हेयर मास्क है वो मैं अपनी मम्मा की हेयर पे भी अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो उनकी हेयर पे भी मैं अप्लाई करूँगी और वह मतलब मामा के हेयर पे भी 1 to 2 hours के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फेस पैक, तो उसके लिए मैंने चारकोल पाउडर लिया है, एलोवेरा जेल लिया है और रोज़ वाटर, इनको मिक्स कर लूँगी। उसके अलावा जो चीज़ हम यूज़ करेंगे फेस वॉश, टोनर और ये है स्ट्रॉबेरी जेल और शीट मास्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कपिवा का कुमकुमादी फेस वॉश, अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं भी अप्लाई करूंगी और मम्मा को भी सेम चीज़ अप्लाई कर लूंगी, जैसा आप लोग देख रहे हो। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्ट्रॉबेरी जेल, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत रिलैक्सिंग है। इसको अप्लाई करके अच्छे से मसाज करना होता है और 5 minutes के लिए इसे छोड़ना होता है। आप चाहो तो इसको अच्छे से लाइक फेस रोलर के साथ इसको थोड़ा सा लाइक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट और दे सकते हो, जैसा मैं मम्मा को कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये प्रोसेस मम्मा को काफ़ी पसंद आया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है इससे। तो इसको 5 minutes रखने के बाद आपको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, विटामिन सी टोनर गुड वाइब्स की। उसके बाद जो फेस पैक बनाए थे वो अप्लाई कर रहे हैं। मैं मेनली यहाँ पे 2 face pack अप्लाई करना चाहती थी, तो मम्मा को मैंने 2 face pack ही अप्लाई किया था। जो मैंने बनाया था चारकोल वाला, वो मैं टी जोन को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि चारकोल फेस पैक ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने फेस पे अप्लाई किया था D10 फेस पैक मम्मा की फेस पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस तरीके से, और फिर इसको ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। देन उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे यही फेस वाला फेस पैक अप्लाई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो D10 फेस पैक का टेक्सचर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, ख़त्म भी हो गया था बेसिकली, वो सैम्पल पैक था, तो मैंने यही अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद फेस को वॉश करने के बाद हम अप्लाई करने वाले हैं शीट मास्क। मैंने ये लैक्मे का फूड ब्लाश एंड ग्लो का अप्लाई किया था, मम्मा को मैंने अप्लाई किया था वो ऑक्सीजन वाला, उससे ज़्यादा रिजुविनेट होता है स्किन, तो इसलिए। तो इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम है हम दोनों की, तो 15 minutes तक रखना होता है एंड देन उसके बाद आपको रिमूव कर देना होता है। सो या
तो उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और देन एक्सेस जो सीरम है उसको अच्छे से मैं एक बार अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। देन उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे डॉट एंड की का हाइड्रेशन जेल। मैंने सेम प्रोडक्ट मम्मा को भी अप्लाई किया था, यहाँ पे मम्मा का क्लिप नहीं है क्योंकि मम्मा तब काम में बिजी हो गई थी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया स्किन फिजी का, ये काफ़ी अच्छा है। तो मैंने अप्लाई किया एंड उसके बाद लिप बाम अप्लाई कर लिया। तो बस स्किन केयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेजलिन का बॉडी आइसक्रीम। ये काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देती है और लाइट वेट एक मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छा है। बट मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ वाइट पैचेस जैसा आ रहा था कैमरा पे, आई डोंट नो वाई। तो मैं हेयर वॉश करने की बारी है, तो प्लाम की कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेट एंड शाइन शैम्पू मैंने यूज़ किया था। इस तरीके का दिखता है, काफ़ी अच्छा, इसका ऑडर भी अच्छा है और काफ़ी अच्छा स्मूथ बना देता है हेयर को, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शैम्पू। इसके साथ एक सीरम भी आता है, मतलब इसकी सीरम भी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लिवॉन का सीरम। तो या उसके बाद मैं हेयर को कॉम कर लूँगी एंड इस तरीके से हेयर केयर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बाथ एंड बॉडी वॉश की वैनिला बॉडी मिस्ट, बहुत अच्छा है इसका ऑर्डर। एंड उसके बाद ये सब करते करते तब टाइम नहीं मिला तो शाम हो गई थी, तो शाम को ही मैंने बाकी काम कंप्लीट कर लिए थे जो कि है अंडर आर्म्स को क्लीन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन में। तो मैंने सबसे पहले रोज टोनर अप्लाई किया था, उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ वेनस की रेज़र, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ बॉडी स्क्रब अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा होता है। देन उसके बाद क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ रोल ऑन जो कि है डव की। तो या दैट्स हाउ माय अंडर आर्म्स मैं इस तरीके से क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद फेस रेजर की बारी आती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। दे मैं फेस को रेज कर रही हूँ, लिप्स को मम्मा का ज़्यादा है नहीं फेस में और जितना भी है वो करने से डरती है तो मैंने रहने दिया था, मैंने ही किया था। तो यह इस तरीके से हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आईज मसाज लिया है ताकि कोई मतलब रैशेस ना हो और स्किन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। एंड देन उसके बाद मैंने दोबारा रोज़ टोनर अप्लाई किया जो काफ़ी रिलैक्सिंग था। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन अप्लाई कर लिया एलोवेरा जेल, ये कपिवा का एलोवेरा जेल है, इसके साथ रोज़ भी मिला हुआ रहता है तो ये मैंने अप्लाई कर लिया। या उसके बाद एक्चुअली ये सब करते करते नाइट टाइम हो गई थी तो मैंने अंडर आई सीरम भी अप्लाई कर लिया एंड देन अगेन लिप बम अप्लाई कर। एंड दैट्स हाउ द डे एंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।